नमस्कार दोस्तों, मैं ईशा गोयल, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। आज का हमारा विषय है पूजा घर। आप जब भी प्लान कर रहे हैं पूजा घर, आप एक घर परचेज करते हैं, आप कोई वर्क प्लेस परचेज करते हैं, आप किसी घर में शिफ्ट होते हैं, तो सबसे पहला आपका जो मन में जो विचार आता है, सबसे पहले होती है पूजा। और सबसे पहले भगवान का स्थान आप प्लान करते हो एक नए घर में, एक नए वर्क प्लेस में, तो वो भगवान का सही स्थान वास्तु के हिसाब से है क्या? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बताने का प्रयास करूंगी कि जब आप कोई घर या वर्क प्लेस प्लान कर रहे हैं, या आपको नहीं पता है मुझे कहाँ पर वो मंदिर रखना चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, कौन सी दिशा में मुख करके मैं पूजा करूं, किस तरह की मुझे मूर्तियां स्थापित करनी है, किस तरह की मुझे लाइट्स लगानी है, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा ये प्लॉट है, ठीक है। अब प्लॉट में, जैसे कि मैंने आपको पुरानी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हमने अभी तक जो पढ़ी है वो है हमारी एट डायरेक्शंस पे अभी हम बात कर रहे हैं। एट डायरेक्शंस और इसके साथ हमारे पांच एलिमेंट्स और नाइन प्लैनेट्स। तो इन तीनों चीजों की बैलेंसिंग मैंने अभी तक आपको बताई। तो उन नाइन प्लैनेट्स में से आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के कोने की, ईशान कोण की। और ईशान कोण के प्लैनेट क्या है? जुपिटर। और यहां का एलिमेंट क्या है? वाटर। तो प्लैनेट जुपिटर है, एलिमेंट वाटर है, कोना ईशान कोण है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ईशान कोण देवताओं का स्थान, और जुपिटर यहाँ के प्लैनेट हैं। जुपिटर को नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन की लॉर्डशिप मिली है। तो जुपिटर आपके देव गुरु हो गए, देवताओं का स्थान है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, मैग्नेटिक डायरेक्शन है। आप अपने पूरे घर में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो पॉजिटिविटी की डायरेक्शन है, अध्यात्म की डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप प्लान करोगे अपने घर का पूजा घर। अब जब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का, एनी वर्क प्लेस, एनी हाउस, जो डायरेक्शन अलॉटेड है आपको घर में पूजा करने के लिए, जो आप घर में मंदिर रख रहे हैं, घर में मंदिर रखने से मेरा मतलब है, एक होता है जो आप घर में मंदिर बनाते हैं, एक होता है जो आप टेंपल में पूजा करने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं घर के मंदिर की। तो घर के मंदिर की जब हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके घर का ईशान कोण, आपके पूजा पाठ का स्थान। और अगर हम बात करें वास्तु पुरुष की, तो ये हमारा होता है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन इज आर हेड पार्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, जुपिटर की डायरेक्शन है, पूरी पॉजिटिविटी नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से आपके घर में रन करती है। मैं कहती हूँ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट आपके घर में ओपन होना चाहिए, जिससे मैक्सिमम पॉजिटिविटी आपके घर में फ्लो करे। अब नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपको मंदिर बनाना है। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आप मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने में अब आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, मैं बात कर रही हूं पूरे प्लॉट की या पूरे फ्लोर की या कोठी के नॉर्थ ईस्ट की, तो उसका पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन आएगी वो आपके घर का पूजा घर होगा। इन केस अगर ये हमारे पास ओपन स्पेस है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर ये हमारे पास ओपन स्पेस है, हम यहां से घर में एंटर कर रहे हैं, ये दिस इज ओपन एंड दिस इज ऑल्सो ओपन, हम दोनों की अगर बात कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोना ये बन जाएगा, ठीक है, कि आप इस कोने में अपने घर के जो आपका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके नॉर्थ ईस्ट के कोने में आपको मंदिर प्लेस करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में आपको मंदिर बनाना है। सेकेंड थिंग, मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट में हमने प्लान किया,
अब जो हमारे आइडल्स होंगे जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनको हमने कौन सी वॉल पे प्लेस करना है। तो जब आप पूजा कर रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, तो आपके जो आइडल्स हैं उनका जो हम उनको जो हम प्लेस करेंगे वो हम करेंगे ईस्ट की वॉल पे, ताकि अगर आप यहां बैठ के पूजा कर रहे हैं तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होगा। तो ऑलवेज फेसिंग ईस्ट, आपके आइडल्स ईस्ट की वॉल पे आप रखेंगे तो आप सामने जो कि आप याचक हो, आप मांग रहे हो, आध्यात्म की डायरेक्शन में बैठ के पूजा कर रहे हो, सामने ईस्ट की वॉल है। ईस्ट की वॉल हमें आपकी सूर्य, इस डायरेक्शन के प्लैनेट कौन है, सूर्य, तो सूर्य की वॉल है ईस्ट है, सनराइज की वॉल है, तो सूर्य उगता है यहां से, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलती है। ईस्ट की डायरेक्शन है, उगते हुए सूरज की डायरेक्शन है, तो जब आप ऐसी डायरेक्शन में फेस करके पूजा करते हैं माइंड क्लियर होता है, आपको एनर्जी मिलती है, तो आपको ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ फेस करके घर में पूजा करनी है। इसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट और फेसिंग ईस्ट, सम केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको ईस्ट की वॉल नहीं मिल रही है पूजा करने के लिए, देयर इज सम विंडो डोर, पॉसिबल ही नहीं है ईस्ट के डायरेक्शन में पूजा करना, तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारा बनता है वो बनता है आपका नॉर्थ की डायरेक्शन। अगर आप ईस्ट में बैठ के पूजा, ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा नहीं कर सकते, तो फिर सेकेंड ऑप्शन बनता है हमारा नॉर्थ की तरफ बैठ के पूजा करना, बट कॉर्नर हमारा सेम रहेगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसको ऐसे समझते हैं, जोन रहेगा नॉर्थ ईस्ट का फेसिंग ईस्ट, तो मंदिर के लिए अलॉटेड है जोन नॉर्थ ईस्ट और आपको ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके पूजा करनी है। अब इसके बाद ये पूरा प्लॉट है या एक पूरा फ्लोर है, पॉसिबली कई बार नहीं आपको नॉर्थ ईस्ट में आप अलाउ नहीं हो पाता, आपको वो जगह पे आप नहीं बना पाते, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस पार्ट को आप सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, दिस इज ओके फॉर पूजा एंड दिस इज नॉट ओके फॉर पूजा। तो ये पार्ट आपका ओके है, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई एक रूम भी, मान लीजिए ये मेरे नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में एक रूम है या मेरा नॉर्थ के डायरेक्शन में एक रूम है, तो मैं नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में फेसिंग ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाले रूम का नॉर्थ ईस्ट कोना और फेसिंग ईस्ट भी मैं मंदिर प्लेस कर सकती हूँ। सेम नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर मेरा कोई रूम है या जो भी मेरी अलॉटेड स्पेस है वहां पर मैं आपको ईस्ट फेस, नॉर्थ ईस्ट का कोना फेसिंग ईस्ट आप यहां भी पूजा कर सकते हैं। बट एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस एरिया में फेसिंग ईस्ट और जोन नॉर्थ ईस्ट अलॉटेड है फॉर पूजा घर, बट जब हम आ जाते हैं, जब हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, तो इन डायरेक्शन में पूजा घर लगाना अलाउड नहीं है। यहां आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहां आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरे तरीके से समझें तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है देवताओं का जोन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है दैत्यों का जोन, तो ये आपके जुपिटर है, ये आपके राहु है, तो इस तरह से हमने इसको बीच में से डिवाइड कर दिया कि साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट, इन डायरेक्शंस में आप पूजा पाठ नहीं करते। तो ये हो गई एक थ्योरी। अब सेकेंड चीज की हम बात करें, पूजा घर हमें लगाना कहाँ है, छोटे घर है, छोटा फ्लैट है, छोटी जगह है, मेरे पास तो अलग से स्पेस नहीं है, तो पूजा घर आपको किचन में नहीं लगाना है, पूजा घर आपको बेडरूम में नहीं लगाना है। अगर आपके पास अलग से कोई स्पेस अलॉटेड नहीं है तो आप पूजा घर लिविंग रूम में लगा सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, पूजा घर और वॉशरूम की वॉल कभी सेम नहीं होनी चाहिए, पूजा घर के ऊपर या नीचे कोई वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बेडरूम नहीं होना चाहिए, इस तरह से आप पूजा घर अपने घर में प्लान करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो हम बात करते हैं पूजा घर में आइडल्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं मूर्तियां रखनी है या फोटोज रखनी है,
आप मूर्तियां रख सकते हैं मगर बहुत छोटे साइज की, आपके थंब के साइज की मूर्तियां अलाउड होती हैं घर में, क्योंकि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके नहीं रख रहे, ना तो हम उनकी इतनी सेवा कर पाते हैं जितनी कि मंदिर में उनकी सेवा होती है। तो आप बहुत छोटी आपके थंब के साइज की मूर्ति लें, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अदरवाइज आप लगाएं अपने घर में फोटोज। देखिए मंदिर में जो फोटोज या मूर्तियां लगाई जाती हैं वो लगाई जाती हैं ध्यान केंद्रित करने के लिए। मुझे ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आता कि आप बड़ी मूर्तियां लगाओगे तो ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी, छोटी मूर्तियां लगाएंगे कम पॉजिटिविटी आएगी, फोटोज लगाएंगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो पूजा घर का मतलब सिर्फ पूजा से होना चाहिए, दिखावे से नहीं होना चाहिए। ज्यादा दिखाना कि नहीं बहुत बड़ी मूर्तियां लगाई हैं, बहुत भगवान में मानते हैं, ऐसा नहीं है, या हमें भगवान बहुत ज्यादा प्रसाद देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके मन के भाव अच्छे होने चाहिए, मूर्तियां छोटी होंगी बिल्कुल चलेगा, फोटोज होंगी बिल्कुल चलेगा। इसके बाद अब आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट जो कि जोन ही है जुपिटर का, अब जुपिटर का जोन है तो इस डायरेक्शन का कलर येलो ऑरेंज इस तरह के कलर्स आपको इस मंदिर में अप्लाई करने हैं। वो कैसे, आप अगर मंदिर में कोई बल्ब लगा रहे हैं तो आप येलो बल्ब लगाएंगे ना कि रेड बल्ब लगाएंगे। मैंने बहुत जगह पे देखा है लोगों के मंदिर में रेड बल्ब लगे होते हैं, तो रेड बल्ब आपकी अग्नि स्थापित होती है। रेड आप अगर देखते हो तो क्या चीज आपको देखती है, रेड कलर आपको अग्नि से जोड़ देता है। आप जब बात करते हैं येलो जुपिटर की, अगर हम प्लैनेट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन का कलर भी है येलो। जुपिटर प्लैनेट से कनेक्ट करें तो अगेन दैट इज येलो। तो आपको इस जोन में येलो बल्ब लगाना है और अपने आइडल्स के नीचे येलो ही कपड़ा बिछाना है। तो इस तरह से आप अपने घर का मंदिर प्लान करें। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको एक मंगल कलश भी बताया था जो कि मैंने आपको दिवाली पे स्थापित कराया था। तो मंगल कलश आप स्थापित करें नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आपके मंदिर में एक मंगल कलश जरूर स्थापित करें। ये मंगल कलश इतना चमत्कारी होता है कि आपके घर के जितने भी वास्तु दोष हैं उनको खत्म करता है, क्योंकि मंगल कलश बनता ही गंगा जल से है और जहां खुद गंगा जल होगी शिव जी का स्थान होगा तो वो चीजों को बैलेंस करेगी। इसके बाद आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, ईस्ट में आपके आइडल्स की मूर्ति आ गई, आपका मंगल कलश भी हमने स्थापित कर दिया, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन मंदिर के लिए अलॉटेड है। आप यहां पर कभी भी नहीं बनाएंगे टॉयलेट या अपने घर की किचन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जब भी आप बनाते हैं टॉयलेट या किचन तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। इनको समझने के लिए आप मेरी आगे की वीडियोस देखिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।